दुर्ग के बैजनाथ पारा में सब्जी बेचने का व्यवसाय करने वाली प्यारी बाई सोनकर के गले से किसी अज्ञात ने उनका मंगलसूत्र गायब कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। दुर्ग के बैजनाथ पारा में सब्जी बेचने का व्यापार करने वाली प्यारी बाई सोनकर शनिवार को लूट की घटना का शिकार हो गई। दरअसल सब्जी बेचने के दौरान एक अज्ञात युवक प्यारी बाई से सब्जी खरीद रहा था और उसके करीब आकर उसने प्यारी बाई के गले से मंगलसूत्र पार कर दिया, जिसकी जानकारी खुद प्यारी बाई को भी नहीं हुई। जब युवक सब्जी लेकर चला गया तब प्यारी बाई को एहसास हुआ कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। प्यारी बाई ने युवक को आवाज़ लगाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक भाग चुका था। प्यारी बाई ने मामले की शिकायत दुर्ग थाने में की है। पूरी घटना को लेकर दुर्ग थाना TI भूषण एक्का ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब्जी रिपोर्टर है प्यारी बाई सोनकर, सब्जी बेचने का काम करती है। सब्जी बेचने के दौरान में 8:30 बजे के करीब एक लड़का सब्जी खरीदने के नाम पर उसके करीब आ गया था और जिधर वो बैठी थी उधर चले गया था और वहाँ से सब्जी लेकर लेन देन कर रहा। सब्जी वाली अपनी सब्जी बेचने में मशगूल थी सकेले में। जब वो लड़का वहाँ से चले गया हटा है तब उसको पता लगा कि मेरे गले में जो मंगलसूत्र था वो नहीं है बोलकर। उस लड़के को देखी पीछे से चिल्लाई तो वो लड़का वहाँ से भाग गया। उसको दौड़ाने का प्रयास किए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाए। और उसमें अपराध पंजीबद्ध हो गया है, चोरी का अपराध पंजीबद्ध हो गया है और जल्दी हम उस आरोपी को पकड़ लेंगे। फिलहाल दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देना यह समझाता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपी की धर पकड़ कर उसे कब सलाखों के पीछे भेजती है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में पुलिस का खौफ बना रह सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।